कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। वैसे इट इज़ कम्पोज ऑफ फोर स्टेजेस। जो इसकी स्टेज वन है दैट इज कॉल्ड कम्बशन, सिंपल कम्बशन। इन द स्टेज टू हम इसमें करते हैं प्योरिफिकेशन। इन स्टेज थ्री इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वी डू कैटलिटिक ऑक्सीडेशन। एंड स्टेज फोर जो फाइनल स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दीज आर द फोर बेसिक स्टेजेस ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हर स्टेज के अंदर क्या हो रहा होता है, लेट्स टॉक अबाउट देम इन मोर डिटेल। जो इसकी पहली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड सिंपल कम्बशन। कम्बशन में हम ये करते हैं कि वी टेक आइदर सल्फर, ठीक है, या आयरन पायराइट, Fe(S)2, दिस इज आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। इन दोनों को आप लेते हो एंड यू बर्न देम। बर्निंग का मतलब हो गया कि आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो एट वेरी हाई टेम्परेचर, और इसको आपने एक्सेस ऑफ एयर के अंदर बर्न करना होता है। ठीक है, आप लिमिटेड सप्लाई के अंदर करोगे तो आप ये गैसेस मुश्किलों से प्रोड्यूस होंगी। तो सल्फर की जब ऑक्सीडेशन करते हैं यू ऑलरेडी नो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ Fe(S)2 जब Fe(S)2 की आप ऑक्सीडेशन करते हो तो यू गेट टू कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यानी आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज एंड सल्फर ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इट मेक्स SO2। सो इट्स ईजियर टू मेमोराइज दिस वे कि फेरिक जो आयरन पायराइट है इट इज़ बेसिकली फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड, यू कैन कॉल इट वट एवर, आयरन पायराइट। आयरन अलग से ऑक्सीडाइज होगा विच विल बी ऑक्सीडाइज एज Fe2O3 एंड सल्फर अलग से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये SO2 प्रोड्यूस कर देगा। ऑल राइट, सो ये था आपका पहला स्टेज जिसके अंदर आपने प्रोड्यूस करानी होती हैं ये दो गैसेज। यू आइदर प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड और यू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। इससे जो नेक्स्ट हमारा मेजर गोल होता है वो ये होता है कि वंस यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड यू फर्दर ऑक्सीडाइज इट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि मैंने तीसरा फेज लिखा था एक्चुअली, जिसमें आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नॉर्मली कैटलिस्ट यूज करते हो, यू मेक इट इन टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट बिफोर आई गो टू दैट मैं आपको एक बात बता दूँ, चूंकि आपने यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करना होता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप ये गैस प्रोड्यूस कराई थी ना, जब आपने सल्फर को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जब आपने आयरन पायराइट को बर्न किया था, तो आपके पास कुछ इम्प्योरिटीज आ गई थी बीच में। ठीक है, ये बेसिकली गैसेस हैं। ठीक है, इन गैसेस के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, वो इम्प्योरिटीज डस्ट की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, मसलन आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड डस्ट। ये दो मखसूस इम्प्योरिटीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। ये क्या नुकसान करती हैं, ये जो आपका कैटलिस्ट है ना इसकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती हैं, यानी कैटलिस्ट पे ठीक से सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। सो हम पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि पहले स्टेप में जब हमने कर ली ना ये, यानी सिंपल कंबशन आपने कर ली सल्फर की या आयरन पायराइट की, उसे नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा करते हो कि आप प्योरिफिकेशन करते हो। आप ऐसे किसी कोई ऐसा मेथड आप यूज़ करते हो जिससे ये डस्ट और ये आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये किसी तरीके से निकल जाए। अब प्योरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर से हम गुजारते हैं। सबसे पहले हम डस्ट को रिमूव करते हैं। अब डस्ट को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, क्या आप इसके अंदर ये एक चैम्बर होता है, आप इसके ऊपर ऊपर से ना स्टीम इंजेक्ट करते हो। स्टीम इज वॉट, H2O इन गैसियस स्टेट। आप गैसियस स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से भेजते हो, वो क्या करते हैं कि वो डस्ट के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में डस्ट नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। ये बिल्कुल आप यूं इमेजिन करो कि अगर बहुत ही गर्द वगैरह हो, डस्ट हो एयर के अंदर और बारिश वगैरह होने लग जाए, तो क्या होता है कि शुरू शुरू में जो पानी गिरता है वो सारी उस डस्ट को बहा के नीचे गिर जाता है। ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं डस्ट के और एयर के अंदर फिर डस्ट नहीं रहती। सो हम ये वाला प्रोसेस इसमें यूज़ करते हैं कि स्टीम जो है
वो ताके डस्ट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बना के नीचे बैठ जाए। यू माइट बी थिंकिंग कि इस तरह ये ना हो कहीं कि जो H2O है जो आपने डाला ये कहीं रिएक्ट ना कर जाए SO2 के साथ, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि H2O गैस जो है, जो वाटर जो है ना, जब बहुत हाई टेम्परेचर पे, अभी सल्फर डाइऑक्साइड भी अभी तक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर पे आप रखो तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, अब आपने चूंकि डस्ट निकाल दी है, इससे नेक्स्ट जो पर्पज होता है वो होता है कूलिंग। या आपने इसी तरह ना स्टेजेस में इस पूरे प्रोसेस को समझना है, यानी पहले आपने डस्ट रिमूव की, उसके बाद आप करने लगे हो कूलिंग। कूलिंग इस वजह से क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है अभी, ठीक है। आपने इसको हीट किया था, कंबशन हुई थी इसकी, अब आपने इसको किसी तरीके से कूल करना है। तो व्हाट वी डू इज कि हम पाइप्स यूज करते हैं, इस तरह के पाइप्स होते हैं जो जिनके अंदर से हम सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारते हैं। ये पाइप्स जो होते हैं लेड मटेरियल के बने हुए होते हैं, और इन पाइप्स के अंदर से जब सल्फर गुजरती है तो ये पाइप्स हीट एक्सचेंजर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। हीट एक्सचेंजर्स का मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो अपनी हीट है वो ट्रांसफर कर देती है इन पाइप्स को, और खुद उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। और इन पाइप्स के गुजरने के बाद जब सल्फर यहाँ से, आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंटर की, जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेप इन द प्योरिफिकेशन इज कूलिंग, जिसमें आप क्या करते हो कि यू यूज लेड पाइप्स एंड दीज पाइप्स एक्ट एज हीट एक्सचेंजर्स, और आफ्टर पासिंग थ्रू दीज पाइप्स सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का जो टेम्परेचर है इट बिकम्स सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस। इससे जो तीसरा स्टेप अगेन आप प्योरिफिकेशन के अंदर कर रहे हो, अभी तक हमने डस्ट रिमूव कर ली है और कूलिंग कर ली है, द थर्ड स्टेप इज स्क्रबिंग। स्क्रबिंग जो एग्जैक्टली वर्ड है, आप इसको रबिंग से तशबीह दे सकते हो, ठीक है। इट बेसिकली क्लींजिंग के लिए जब किसी चीज को रब किया जाता है तो इसको बोला जाता है स्क्रबिंग या स्क्रब करना, ठीक है। किसी चीज को क्लीन करना या स्क्रब, वैसे किसी गंदी चीज को कहते हैं, मतलब डर्ट वगैरह को कहते हैं। तो स्क्रबिंग का मतलब होता है डर्ट को रिमूव करना यूजिंग बाय रबिंग समथिंग, यूजिंग रबिंग टेक्निक। तो स्क्रबिंग में हम ये करते हैं, हम एक वाटर का स्प्रे, पहले जो पीछे आपने किया था ना वो क्या था, आपने स्टीम की थी यानी H2O गैसियस स्टेट। यहां पे आप वाटर का स्प्रे करते हो, ठीक है, कूल्ड गैसेस के ऊपर, और वाटर जब उसके अंदर स्प्रे होता है तो वो क्या करता है कि वो इसके पाइप्स को क्लीन कर देता है, पाइप्स को भी क्लीन करता है। इसके अंदर अगर और कोई मजीद अभी भी कोई डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं तो वो मजीद निकाल देगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे आप एक दफ़ा ऑलरेडी डस्ट निकाल चुके हुए हो, इससे 100% डस्ट रिमूव हो सकता है ना हुई हो शुरू में, ठीक है। और जब आपने लेड पाइप्स के अंदर से गुजारा तो हो सकता है कुछ मजीद इम्प्योरिटीज़ उसके साथ अटैच हो गई हो, सो उनको रिमूव करने के लिए हम एक दफ़ा फिर से स्क्रबिंग करते हैं, जिसमें हम वाटर स्प्रे करते हैं उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर, जिससे अगर कोई मजीद इंप्योरिटीज हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं। जो इससे नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज ड्राइंग। ड्राई करना सुखाने को कहते हैं। तो ड्राइंग में आप ये करते हो कि आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऊपर से पास ऑन कराते हो। सल्फ्यूरिक एसिड की भी आगे मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर ये वाली बात लाजमी होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन ज़रूर आ जाता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है कि इस चीज़ के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता है, अलग कर लेता है, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर, एंड वॉट इट डज इज कि वो उस दूसरी चीज़ के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है। सो अब ड्राइंग के लिए आप ये करते हो कि अगर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ शामिल हैं और आप चाहते हो कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएं वहाँ से, सो यू नाउ पास ऑन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि सारा सल्फ्यूरिक एसिड बीच में डाल देना है, आपने इसको भी स्प्रे करना है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्प्रे करने का मतलब गैसीय स्टेट के अंदर यूं आप सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास फिर प्योर फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड रह जाएगी। ये आपकी हो गई चार स्टेजेस प्योरिफिकेशन की, और देन देयर इज अ फाइनल स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर।
आर्सेनिक प्योरीफायर का मकसद ये होता है कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो गैस थी, जो मैंने शुरू में बोला था कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये पॉइजनिंग करती है कैटलिस्ट की, अब इसको रिमूव करने के लिए वी यूज आर्सेनिक प्योरीफायर। अब आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है, ये एक चैम्बर सा होता है जिसके अंदर शेल्व्स लगे हुए होते हैं यूं करके, और इन शेल्व्स के ऊपर ना आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड जब आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं। यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से ऊपर आ रही थी सारी, तो अगर तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर कुछ मॉलिक्यूल्स आर्सेनिक ऑक्साइड के हैं तो वो इस कैटलिस्ट जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बिहेव्स नॉट एग्जैक्टली एज अ कैटलिस्ट, आप इसको कह सकते हो ये रिमूव कराने के लिए यूज़ हो रहा है, ये एक आपने कंपाउंड यूज़ किया हुआ है, और इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। आप ऐसे नहीं करते कि ये पहले से आपने बना के रखा हुआ है, उसी वक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी यहाँ पे एक चैम्बर होता है जो ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड आप उसके अंदर से पास कराते हो ताकि ये प्रेसिपिटेट्स बन जाए और आर्सेनिक ऑक्साइड भी रिमूव हो जाए, ठीक है। सो नाउ लेट्स समराइज द कंप्लीट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। प्योरिफिकेशन प्रोसेस में द फर्स्ट थिंग वी डू इज डस्ट रिमूवल, ठीक है। और डस्ट रिमूवल किस तरीके से किया जाता है, हम स्टीम पास ऑन कराते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, स्टीम पास ऑन कराते हैं थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड ताकि प्रेसिपिटेट्स बन के वो नीचे बैठ जाए डस्ट के पार्टिकल्स। सेकेंड हमने चीज़ देखी थी कूलिंग। कूलिंग हमने किस तरीके से की थी, कूलिंग हमने की थी लेड पाइप्स के थ्रू हमने पास कराया था, और जब कूलिंग से बाहर निकला था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर हुआ हुआ था। तो कूलिंग आपने करा दी लेड पाइप्स के अंदर से। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे की थी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग में और सिंपल डस्ट रिमूवल में क्या डिफरेंस था, थिंक अबाउट इट, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि स्क्रबिंग में आपने वाटर स्प्रे करना है इसके ऊपर, वाटर का जेट आपने काइंड ऑफ स्प्रे करना है, ये जो होगा ये लिक्विड वाटर होगा, और यहां पे आपने बहुत ही हाई टेम्परेचर पे स्टीम की फॉर्म में वाटर को इसके अंदर से पास ऑन करवाया था, ठीक है। सो पीछे से मैं आपको बता देता हूं, यहां से बहुत ही वेरी हाई टेम्परेचर गैसेस, लेट से 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैसेज आई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अंदर आई, उसके अंदर से आपने पहले डस्ट रिमूव की और हाई टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ऐड किए, फिर आपने उसको कूल किया 100 डिग्रीज पे आप ले आए, और फिर उसके बाद आपने वाटर जेट स्प्रे किया ताकि अगर अभी कोई और भी इम्प्योरिटीज हैं तो वो भी रिमूव हो जाए। इसके बाद जो अगला इससे स्टेप है, दैट वॉज ड्राइंग, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसमें हम ये करते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम स्प्रे करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट कर देता है, वाटर रिमूव कर देता है। एंड देन फाइनली हमने देखा कि वी मेक इट टू पास थ्रू आर्सेनिक प्योरीफायर, और आर्सेनिक प्योरीफायर में आपको कौन सी चीज एक्सटर्नली देनी पड़ती है, आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस ये एक्सटर्नली देना पड़ता है। एंड देन फाइनली आपके पास यहां पे प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाती है एट लो टेम्परेचर, और यहां पे ऊपर से इनपुट क्या गया था, इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो ये जो पूरा मैंने व्हाइट बॉक्स बनाया था, दिस व्हाइट बॉक्स इज योर प्योरिफिकेशन चैम्बर, ठीक है, दिस इज योर फेज टू, जो मैंने आपको बताया था दिस इज योर स्टेज टू ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। स्टेज वन इज वेरी सिंपल, स्टेज वन के अंदर सिंपल कंबशन हम करते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर आपके अगर आयरन पायराइड को कंबस्ट कर रहे हो तो यू मेक फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड देन द सेकंड स्टेज इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेज। द थर्ड स्टेज इज आल्सो कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल स्टेज। इस स्टेज के अंदर व्हाट वी डू इज कि हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एट ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 400 एंड 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप ये टेम्परेचर रखोगे तो आप बेस्ट यील्ड आपको मिलेगी। यील्ड किस चीज को कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो तब मिलेगा
अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को इस टेम्परेचर के ऊपर हीट करके ऑक्सीडाइज करो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअली जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये नहीं होता कि ये वन साइडेड रिएक्शन है, ये कुछ यूं करके होता है। यानी एट एवरी टेम्परेचर दीज टू विल बी रिएक्टिंग टू मेक सल्फर ट्राईऑक्साइड, एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो इन दो में चेंज हो रहा होगा। अब कौन सा ऐसा आप टेम्परेचर रखो कि आपका जो प्रोडक्ट्स है इनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और इनकी कंसेंट्रेशन बहुत थोड़ी हो, तो वो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर एक वो फाइंड किया गया है, वो बिटवीन 400 एंड 500 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ जो आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो दैट इज़ वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ऑल राइट। वनेडियम इसमें पॉजिटिव 5 चार्ज्ड है एंड ऑक्साइड इज नेगेटिव 2, सो दिस इज V2O5। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट हीट सप्लाई करने का मतलब ये नहीं हुआ, ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर हीट आपको मिल रही होती है, ठीक है। एंड द एंथैल्पी चेंजेस -270 किलो जाउल्स पर मोल। दिस इज गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट जब आप ओवरऑल बात कर रहे हो। सो इस हीट का हम क्या करते हैं, अब इसको ज़ाया तो नहीं करना ना एफिशिएंटली, अगर ये प्रोसेस आपने कराना है तो ये हीट ज़ाया नहीं करानी है आपने। आप ये करते हो कि वो जो शुरू में आपने सल्फर को बर्न करने के लिए आपको हीट चाहिए थी ना, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और सल्फर के अलावा अगर आयरन पायराइट को भी बर्न करना था आपने, तो उसमें हीट आप यहाँ से इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे हीट आपको मिल रही है, ऑल राइट। और इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को फिर कहते हैं रीजेनरेटिव प्रोसेस, यानी प्रोसेस के अंदर ही आप हीट रीजेनरेट करवा रहे हो, दोबारा से प्रोड्यूस करवा रहे हो और उसको फिर पीछे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट कैटलिटिक ऑक्सीडेशन, नाउ लेट्स मूव ऑन। द फाइनल स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होती है ये किस तरीके से की जाती है कि आप सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है SO3 जो आपने प्रोड्यूस कर लिया है जो बिल्कुल प्योर है, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से पास कराते हो और ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे मेक अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड ओलियम, OLEUM। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, ऑल राइट। सल्फ्यूरिक एसिड आपने एक्वस फॉर्म में लिया था, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ गैस, जब ये गैस आप इस लिक्विड के अंदर से पास ऑन कराते हो तो आपके पास एक अगेन एक लिक्विड बन जाता है विच इज कॉल्ड ओलियम। अब आप सोच रहे होगे कि ओलियम से आगे हमने सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करवाना है, H2S2O7। ओलियम के कैसे प्रोड्यूस कराते हैं, आप इसके अंदर वाटर अगर ऐड करो ना ओलियम के अंदर तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया और सल्फ्यूरिक एसिड वापस प्रोड्यूस हो गया, तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस का फायदा क्या हुआ। देखो अगर आपने एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का ऊपर लिया था ना तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बना था ओलियम का। अलबत्ता जब आप एक ओलियम को मॉलिक्यूल लेते हो एंड यू टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिस वे, ठीक है। सो ये फजूल में नहीं हो रहा, ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड आप अचीव कर रहे हो। इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड किया जाए तो आप यूं कुछ कह सकते हो कि व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड एडेड इन वाटर प्रोड्यूसेस H2SO4, यही बनना चाहिए ना। दिस रिएक्शन एक्चुअली इज नॉट ट्रू, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। मैं रिपीट कर देता हूं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर अगर डायरेक्ट पानी डाला जाए तो ये नहीं बनता। अलबत्ता अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर पहले आप ये डाल दो, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लो विच इज ओलियम, और फिर ओलियम के अंदर पानी डालो और फिर वही वाला एक मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का आपको वापस मिल जाएगा, फिर ये ओवरऑल रिएक्शन आप करवा सकते हो। सो इन अदर वर्ड्स आपको एब्जॉर्प्शन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। एंड दिस हैपन्स इन अ चैम्बर विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट चैम्बर, एंड दिस इज काइंड ऑफ द फाइनल कॉन्टैक्ट चैम्बर। इसको बल्कि इससे जो पिछला वाला था जिसमें हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाला था उसको बोलते हैं हम, बाय द वे। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कॉन्टैक्ट चैम्बर एंड देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन चैम्बर। लेट्स ट्राई टू समराइज वट एवर वी हैव सीन सो फार। द फर्स्ट स्टेप कि आप यहां से नीचे से एयर एंटर कर रहे हो, ठीक है। वाई एयर, बिकॉज एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, और साथ आप यहां पे इसको हीट करते हो। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है SO2 फर्नेस, फर्नेस यानी ये चूल्हे के तौर पे बिहेव कर रहा है, और यहां पे सल्फर आपने प्लेस किया हुआ है, ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज सल्फर,
ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको ऑरेंज से हाईलाइट करता हूँ. दीज डिपॉजिट्स आर एक्चुअली सल्फर डिपॉजिट्स. तो सल्फर आपको वैसे भी पता है, सल्फर का कलर येलो होता है. आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फर को फर्नेस के अंदर बर्न किया. ये जो पाइप आगे जा रहा है ना, ये वाला, लेट मी हाईलाइट इट इन ब्लैक. दिस पाइप, दिस इज एक्चुअली टेकिंग हाई टेम्परेचर इम्प्योर SO2, इम्प्योर. अब इसको प्योरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले तीन चैम्बर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ये जो तीन आपको चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली प्योरीफिकेशन यूनिट. प्योरीफिकेशन यूनिट में स्टार्ट में, जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेटर टू रिमूव डस्ट, ठीक है, या आप डस्ट रिमूव कर रहे हो यहाँ पे पहले. उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको समझाया था, स्क्रबिंग. स्क्रबिंग में आप क्या करते हो कि आप लिक्विड वाटर ऐड करते हो, ठीक है, स्क्रबिंग, और फिर लिक्विड वाटर नीचे से देखो बाहर भी निकल रहा है. और उसके बाद आप देख रहे हो ड्राइंग, जिस तरह मैंने आपको समझाया था, ड्राइंग हो रही है. और ड्राइंग चैम्बर के अंदर आप क्या कर रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो, और सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा और अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आर्सेनिक आर्सेनिक ऑक्साइड प्योरीफायर जो था, आर्सेनिक प्योरीफायर, वो शो नहीं हुआ हुआ इस डायग्राम में. यहाँ पे एक और भी चैम्बर होता है जिसमें आप फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐड करके आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करते हो. फाइनली आफ्टर द प्योरीफिकेशन प्रोसेस आप हीटिंग चैम्बर में जाते हो. और हीटिंग चैम्बर के अंदर जाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन एडेड ऑक्सीजन, बेस्ट यील्ड आपकी तब होती है जब ये टेम्परेचर हो आपके पास. अब इस टेम्परेचर पे आप लेके जाओगे सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर ऑक्सीडाइज कराओगे ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक हीटिंग चैम्बर लगा हुआ है जो उसको हीट करता है टू 400 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 400 एंड 500 डिग्री सेल्सियस. एंड देन ये जो आपको नजर आ रहा है रिएक्टर, जिसको ये बोल रहा है, लेट मी हाईलाइट इट इन ब्लैक, दिस रिएक्टर इज बेसिकली कॉन्टैक्ट चैम्बर. इसको हम कॉन्टैक्ट चैम्बर भी बोलते हैं. दिस इज एक्चुअली द रिएक्टर जिसके अंदर ये जो आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं, दीज आर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स, ये V2O5 हैं. ये कलर्स बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, ये ब्लू में प्रॉब्ली आपको नजर आएगा. दिस इज V2O5 की बहुत सारी बीच में शेल्व्स लगे हुए हैं और इसकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड. वंस यू हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड, यू कैन देन सी कि यहां से ये आगे जा रहा है एब्जॉर्प्शन यूनिट या एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर. एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है कि यू आर एडिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड टॉप से, और यहां से पीछे से SO3 गैस आ रही थी. SO3 गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट टू फॉर्म, यहां से देखो ये बाहर निकल रहा है H2S2O7, विच इज बेसिकली ओलियम. दिस इज ओलियम. एंड देन फाइनली आप क्या करते हो कि ओलियम को आप वाटर के अंदर ऐड करते हो एंड यू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4. सो दिस इज हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इसमें बीच में हमने एक जो कॉन्टैक्ट चैम्बर था, यहाँ से हम हीट को रीजनरेट भी करवाते हैं, ठीक है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से हम हीट को यहाँ पे वापस फर्नेस के अंदर यूटिलाइज भी करते हैं. दिस इज इट फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड in the industry using the contact process. इस next lecture के अंदर हम sulfuric acid के chemical reactions देखने लगे हैं. Chemical reactions में हम देखेंगे कि ये acid के तौर पर कैसे behave करता है, ठीक है. इसके अलावा चूंकि अभी मैंने आपको बताया था it's a dehydrating agent, तो इसके dehydration के reactions देखेंगे. And then finally oxidation, चूंकि ये oxidize भी कर देता है, तो इसके oxidation वगैरह के reactions भी हम लोग discuss करेंगे.